भगवान शिव जितने भोले हैं उनका क्रोध भी उतना ही खतरनाक और विकराल है। भोलेनाथ को वैसे शिव के नाम से जाना जाता है। समय समय पर भगवान के भोलेपन और विकराल भयानक रूप के दर्शन लोगों ने किए हैं। आपको मैं ऐसी ही कथा और पौराणिक कहानी बताऊंगा जिसमें भगवान शिव के क्रोध का जिक्र है और इतने बड़े क्रोध का कि उस क्रोध की वजह से सृष्टि का अंत करना पड़ा। नमस्कार मित्रों, इंडियाई ब्लॉग की भक्ति में दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि इस भक्तिमय दुनिया से आप सदैव जुड़े रहें। मित्रों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जन्म की विष्णु पालन और शिव संहार के देवता हैं। सारी सृष्टि इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है अथवा सृष्टि पर खतरा मंडराता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट का नाश करते हैं। गीता के चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि हे भरत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। मित्रों, भगवान शिव ने सृष्टि का अंत क्यों किया? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले आप सृष्टि के अंत की जरूरत क्यों पड़ी इस पर समझने की कोशिश करिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने चारों वेद, जिसमें ऋग्वेद या आयुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के सोने के बाद हयग्रीव नामक एक दैत्य वेदों को चुरा ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मदेव जब निद्रा से जागे तो उन्होंने पाया वेदों को हयग्रीव चुरा ले गया है। उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बताई और उनसे सहायता मांगी। इसके बाद हयग्रीव का वध करने के लिए भगवान शिव ने मत्स्य अवतार लिया। भगवान विष्णु के अवतार में पहला अवतार है। उधर हयग्रीव के वध के लिए भगवान विष्णु ने शिव की सहायता ली। भगवान ने महादेव से कहा, सृष्टि पर पाप बढ़ गया है जिसका अंत करना जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वो धरती को जलमग्न कर दें। शिव सोम तत्व यानी जल है। भगवान विष्णु के इस आग्रह पर शिव ने हाँ कर दी और इस समस्या के अंत के लिए नवजीवन को दिशा देने की ये किसी का जीवित रहना भी जरूरी था। और इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने राजा मनु और उनकी अर्धाग्नि सत्यरूपा को चिन्हित किया। राजा मनु और सत्यरूपा को इस कार्य के लिए चिन्हित करने की एक वजह थी। मान्यता के अनुसार राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वो सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, तभी एक मछली ने उनसे कहा, आप मुझे अपने कमंडल में रख लें। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को अपने कमंडल में ले लिया और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने पर वो मत्स्य उस कमंडल के आकार की हो गई। राजा ने मत्स्य को दूसरे पात्र में रखा, वो उसी पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने उसे नदी में डाला, वो नदी के आकार की हो गई। अंत में समुद्र में डाला, इसके बाद मत्स्य ने पूरे समुद्र को ढक लिया। राजा मनु आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद उस सुंदरी मछली ने अपना दिव्य परिचय उजागर कर बताया, मैं विष्णु हूँ। मित्रों, ये मत्स्य कोई और नहीं भगवान विष्णु का ही प्रथम अवतार था जिससे हयग्रीव का वध होना था। भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार ने अपने भक्त को सूचित किया, आज से ठीक सातवें दिन जल प्रलय आएगी, तत्पश्चात विश्व का नया सृजन यानी पुनः निर्माण होगा। भगवान ने राजा मनु को एक ऐसी नौका बनाने को कहा जिसमें वो सभी जड़ी बूटी, बीज, पशु और सप्तऋषि को रखें ताकि नवजीवन की
शुरुआत और प्राप्ति हो सके। उन्होंने मनु से खुद इस नौका को संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने मनु को ये आश्वासन दिया कि वो खुद इस नौका को जल प्रलय से बचाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर राजा मनु अपनी पत्नी सत्यरूपा के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे। सातवें दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती की सहायता से अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जिसके बाद देखते ही देखते सृष्टि जलमग्न हो गई। जिसके बाद मत्स्य अवतार लेकर भगवान विष्णु समुद्र के भीतर गए और उन्होंने हयग्रीव के पहरेदारों को मारा, फिर हयग्रीव का वध कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने चारों वेदों को मुंह में रखकर समुद्र से बाहर ले आए और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। मित्रों, ऐसी मान्यता है जल प्रलय के बाद इस संसार में जीवन का अंत हो गया। सिर्फ राजा मनु, उनकी पत्नी सत्यरूपा और सप्तऋषि ही थे जल प्रलय से बचे। और राजा से मिले वेद ज्ञान के बाद राजा मनु वैवस्वत मनु कहलाए। उस नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार का जीवन चक्र फिर से चला। तो मित्रों, इस वीडियो में आपकी उम्मीद अनुसार आपको पौराणिक कहानी और सृष्टि के अंत की मैथोलॉजी की जुड़ी जानकारी मिली। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर मिलूँगा। तब तक चैनल को आशीर्वाद देते हुए लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। NDI ब्लॉग में आपका सदैव स्वागत है।